तो बात करते हैं समीक्षा बैठक के बारे में जो ली है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। नर्मदा घाटी विकास विभाग की यह समीक्षा बैठक थी जिसे निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज ने। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य बताए हैं उनका रोड मैप बनाकर काम शुरू करें। कोई काम में ढिलाई बरत रहा है तो उसे कस दें। प्रति एकड़ सिंचाई के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका प्रचार करें। सभी सिंचाई योजनाएं जो कंप्लीट हो रही हैं उनका प्रचार करें। तो निर्मित सिंचाई की क्षमता का उपयोग करने का प्लान बताएं। तमाम बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही। इसके अलावा उनका कहना है कि बड़ी योजनाओं का ऑपरेशन और जो मैनेजमेंट है पूरी व्यवस्था हो, जितनी भी मेंटेनेंस भी अच्छे से हो, जितनी भी परियोजनाएं हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की गारंटी हो और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, यही हमारी जिम्मेदारी है। तमाम बातों को रखा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के अंदर। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। मनोज जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए साहिदा, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी कई विभागों की बैठकें हुई है जिसमें नर्मदा विकास प्राधिकरण की बैठक भी थी, लेकिन उसमें जो प्रोजेक्ट्स सामने आए उसको देखकर सवाल खड़े किए मुख्यमंत्री जी ने और पूछा भी संबंधित अफसरों से कि आखिर ये क्या है। तो उन्होंने कहा किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी, आप बाहर निकलिए, फील्ड पर जाके जो चीजें आप मेरे सामने कागजों में रख रहे हैं क्या वो फील्ड पर दिखाई दे रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जो रोडमैप बना था उसको वो खुद से जाहिर ना करते हुए जरूर उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की है और ये कहा कि इस तरह की ढिलाई, इस तरह की जो लापरवाही है वो कतई नहीं चलेगी क्योंकि मेरी नजर सब पर है। और वैसे भी मुख्यमंत्री लगातार जैसा 3 से 7 तारीख तक 10 तारीख तक बैठ के चलना है तो उसमें अलग अलग विभाग की भी बैठक है। आज भी करीब 7 ऐसे विभाग है जिनकी बैठकें की जा रही है जिसमें हर तरह के दस्तावेज उनके सामने भी है, जो अफसरों के सामने से रखे जा रहे हैं वो भी है। जब दोनों के मिलान होते हैं और चीजें ठीक दिखाई नहीं देती है तो फिर उसमें सीएम की नाराजगी का सामना भी अफसरों को करना पड़ता है। जी मनोज जी आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम की नाराजगी का सामना तो करना ही पड़ता है अगर काम में ढिलाई होती है, ये कहना है हमारे संवाददाता का और सही भी कहा है क्योंकि ये साफ कहा है इस समीक्षा बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि जो भी ढिलाई बरते काम में उसे कस दो, यानी कि पूरी तरीके से उसकी खबर ली जाए।